Hello and welcome to everyone. So today we are going to discuss D&D. ठीक है, तो 4th मई आज है, तो 4th मई का न्यूज़पेपर स्क्रीन करेंगे. और सेकेंडली, बहुत सारे जो अभी स्टूडेंट ने भी कमेंट में दूसरी वीडियो के अंदर पूछा है कि D&D कंटिन्यू होगा या नहीं होगा. डेफिनेटली कंटिन्यू होगा इसके अंदर. तो यहाँ पे मैंने जो हमारी 2-3 क्लासे रहती हैं वो हम आने वाले जो इस वीक के अंदर वो सारी कवर करेंगे. ठीक है, तो क्योंकि वो सारी हमारी ऑलरेडी जो क्लासेस पेंडिंग हैं उनमें से थोड़ी थोड़ी टॉपिक उठा के हम कवर कर लेंगे ये सैटरडे तक. तो आज देखते हैं 4th मई के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम. एनवायरनमेंट के अंदर ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट, अभी ये 2-3 दिन पहले आई थी, तो उसके बारे में देखेंगे. साइंस एंड टेक के अंदर Python 5, वैक्सीन प्राइसिंग. ज्योग्राफी के अंदर Max 1407, तो यहाँ पे ऐसा एक क्वेश्चन आया भी है UPSC के अंदर, तो देखेंगे इसके अंदर कैसा क्वेश्चन बनता है. देन इकोनॉमी के अंदर नो GST ऑन मेडिकल ऑक्सीजन इम्पोर्ट. CSR के बारे में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर. पॉलिटी के अंदर वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन. देन ESMA जो एसेंशियल सर्विसेज हैं. देन म्यांमार रिफ्यूजी के बारे में पढ़ेंगे, तो ऑलरेडी हमने रिफ्यूजी कन्वेंशन किया, उसके अलावा क्या क्या कन्वेंशन है, 1-2 इंपॉर्टेंट वो देखेंगे. कॉकटैश एरिया, तो ये हमारा जो अगर मैप वर्किंग के ऊपर बात करें तो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वहाँ पर आपको ये एरिया आ सकता है. ठीक है, तो पेज नंबर 1 के ऊपर देखें आज के न्यूज़पेपर में, लोकल इश्यूज़ क्रूशियल टू वोटर्स अक्रॉस स्टेट सर्वे. तो ये लोक नीति ने एक सर्वे किया है. ठीक है जी, तो लोक नीति ने एक सर्वे किया है, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए. दूसरी बात, आप ये हम यूज़ कैसे करेंगे. ऐसा सच आपको यहाँ पे कुछ प्री के अंदर तो आने वाला नहीं. तो हमें जैसे मान लो आप साइमल्टेनियसली पोल्स की बात करते हैं, क्या ना जो सेंटर स्टेट इकट्ठी पोल्स होनी चाहिए, ये बहुत डिबेट रहती है. तो वहाँ पर एक चीज़ आती है कि ठीक है ये डिबेट ठीक है अच्छी है, लेकिन यहाँ पे साइमल्टेनियसली के अंदर एक इशू आता है कि जैसे मान लो सेंटर और प्लस स्टेट का इलेक्शन इकट्ठे हो रहे हैं तो स्टेट के जो इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगे, है ना. अगर मान लो आपने एक ही दिन वोट डालनी है तो वहाँ पे सेंटर के इशू ओवरटेक कर लेते हैं और स्टेट के इशू गायब रहते हैं. तो यहाँ पे एक तो ये इसका कंसर्न था. ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली जो पोल हुए हैं तो वहाँ पे इस सर्वे ने ये बताया कि जो लोकल इशूज़ हैं, है ना, वो बहुत क्रूशियल हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर. ठीक है, तो इट मीन्स के जो जैसे लोकल इश्यूज़ के बेसिस के ऊपर लोग वोटिंग कर रहे हैं, है ना. तो अगर वोटिंग पैटर्न देखें तो अब इसका क्या मतलब, क्या है मतलब ये कि अगर मान लो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेम पार्टी है लोकल स्टेट के अंदर भी, तो ऐसा नहीं कि जो सेंटर ने काम किए हैं ठीक है उसके बेसिस के ऊपर आप लोकल पार्टी को इलेक्ट कर लोगे. तो लोकल पार्टी को भी काम करना पड़ेगा तभी जाके ये काम होगा. तो इट मीन्स कि ये एक अच्छी बात है, है ना. जो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है तो ऐसा नहीं है कि भाई सेंटर से ही सारा काम ये चल रहा है. तो ये आपने वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है मेंस के अंदर कि भाई हाँ लोकल इश्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस रह गई है आजकल, है ना. तो जो पार्टीज़ हैं बेसिकली ये जो इलेक्शन का जो भी कैंपेन चलती है बेसिकली ये ब्रांड बन चुका है ना आजकल, तो ये उसके कंटेक्स्ट के अंदर हमें ध्यान रखना है. देन नो GST ऑन इंपोर्ट ऑफ वैक्सीन, तो इसके अंदर देखेंगे आज हम. सेंट्रल विस्टा, यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है, एनवायरमेंट अप्रूवल भी जो सारा काम हो गया है, तो इसके बारे में एज सच हमने सेंट्रल विस्टा पढ़ा हुआ है लेकिन थोड़ा सा आगे डिटेल के अंदर देखें. ओपेक के बारे में भी हमने एडिटोरियल के अंदर पढ़ा था, मैंने डिटेल में बताया था एशियन प्रीमियम क्या है, ओपेक प्लस क्या है, ना सारा कुछ. तो ओपेक का जो शेयर है वो स्लाइडली थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओपेक का शेयर हमें पता है कि ओपेक क्या है. अगर हम यहाँ पे जाएं ये वाला, ठीक है, तो हमें पता है ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो मिलके जिन्होंने ओपेक बनाया हुआ. अब ये इनका मकसद क्या है कि जो ऑयल का प्राइस है उसको कंट्रोल करना है. ठीक है, तो मान लो ओपेक ने डिसाइड किया कि हमने जो प्रोडक्शन डिक्रीज़ करनी है ना, क्योंकि प्राइस डिक्रीज़ हुआ, तो वो सभी मेंबर मानते हैं. तो इसलिए उसके बाद रशिया वगैरह जो नॉन ओपेक कंट्रीज उन्होंने भी ज्वाइन किया, उसको हम ओपेक प्लस बोलते हैं, हमने ऑलरेडी ये कवर किया है. लेकिन ओपेक के मेंबर्स अगर आप देखो जैसे कतर भी है ना, बहुत जगह आपको ये मेंबर मिल जाते हैं, लेकिन ये रिसेंटली चेंज हुए बड़े हैं. तो ये हमने वहाँ पर किया भी था एक बार, फिर मैं आपको बता देता हूँ. तो ये इंडिया ऑयल इम्पोर्ट करता है, ठीक है जी. तो उसके बाद अगर हम देखें जैसे मान लो आपका ये इक्वेडोर है, ठीक है, इक्वेडोर ने सस्पेंड की थी अपनी मेंबरशिप, ठीक है, उसके बाद ये विड्रॉ कर गया. ठीक है, तो अगर आप मैप के ऊपर जाओ तो वहाँ पे इक्वेडोर यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है. तो ये आपने ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने ये अपडेशन दी है. इंडोनेशिया, जैसे इंडोनेशिया ने सस्पेंड कर दी, ठीक है, अपनी मेंबरशिप. उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो गैबन ने रीज्वाइन किया है, ठीक है जी.
2016 के अंदर, कतर की टर्मिनेट हो चुकी मेंबरशिप 2019। तो यहाँ पे अब अगर अकॉर्डिंग टू देयर ऑफिशियल साइट, तो ऑफिशियल साइट ने जो लिखा है वही मैंने आपको यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो जो भी अगर मान लो आपने ओपेक के ऊपर नोट्स बनाए, ऑल दो हमने ये वाली इन्फॉर्मेशन पहले भी क्लास के अंदर डिस्कस की हुई है, अगर किसी ने वो क्लास नहीं लगाई तो उसके पास ओपेक के अपने अपडेटेड नोट्स हैं, वहाँ पे चेक कर ले कि ये वाली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कितने मेंबर जो डिलीट करना है वो उसको डिलीट कर सकता है, ताकि आपको, क्योंकि अगर प्री के अंदर क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे आपको गलती होने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, ओके। देन ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट के बारे में अगर हम देखें तो हमें पता है कि जो फॉरेस्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें फॉरेस्ट एरिया को इनक्रीज़ करना है। ठीक है, इसी के बेसिस के ऊपर रिलीज़ किया है। किसने रिलीज़ किया? पहला क्वेश्चन प्री के परस्पेक्टिव से यूएन ने। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ऑफ यूएन। ठीक है, तो पहले हमें ये याद रखना है। ठीक है, वहाँ पे आपसे बोलेगा वो एफएओ इसने रिलीज़ किया है ना, तो यहाँ कोई भी बॉडी दे देते हैं, तो ध्यान रखना है इसका। की पॉइंट है नोवल कोरोना वायरस डिजीज़ जो हुई है ना, जैसे COVID-19 है, उसके चलते ये कहता है कि जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फॉरेस्ट को मैनेज करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। ठीक है, पहला चैलेंज है। दूसरा, जैसे मान लो 2020 के अंदर 18% ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट स्टूड इन लीगली इस्टेब्लिश प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऐसा, आपको मतलब परसेंटेज नहीं याद करनी, प्री के परस्पेक्टिव से क्या याद करना है, जो लीगली प्रोटेक्टेड, जो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है वर्ल्ड के थ्रू आउट द वर्ल्ड, वहाँ पे जो परसेंटेज है लीगली प्रोटेक्टेड की वो इंक्रीज़ हुई है। ये अपने पॉइंट याद रखना है। जैसे मान लो 14% 2000 में थी, तो 2020 में 18% है ना, तो ये लीगली इंक्रीज़ हुई। इट मीन्स कि इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी गवर्नमेंट ने एफर्ट किया है। ठीक है, जो एरिया को, फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ग्रू वर्ल्ड वाइड नियरली 3 मिलियन हेक्टेयर। तो आप यहाँ पे हमें क्या रखना है याद, कि जो प्रोटेक्टेड एरिया वो भी इंक्रीज़ हुआ है। तो हमें सिर्फ ट्रेंड रखने हैं याद, ट्रेंड के बेसिस के ऊपर हमें क्वेश्चन वहाँ पे आएगा कि इंक्रीज़ हुआ है या वो डिक्रीज़ हुआ है ना। तो करंटली 73% ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट इज़ अंडर पब्लिक ओनरशिप, अगेन गवर्नमेंट की ओनरशिप, एंड 22% प्राइवेटली ओनरशिप है ना। तो हमें ये भी याद रखना है कि जो मेजोरिटी है दैट इज़ विद द पब्लिक ओनरशिप एंड माइनॉरिटी इज प्राइवेट। तो प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ही कम जो ओनरशिप है फॉरेस्ट एरिया की। ठीक है जी, तो ये हमें इतना ध्यान रखना है, बस दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 to 2030। ठीक है, ये इनेक्ट किया गया था। अब ये इनेक्ट किया क्यों किया गया, जैसे मान लो बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने अपने टारगेट दिए कि हम इतना अचीव करेंगे, हम इतना अचीव करेंगे, तो वो 2030 तक, हमें पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी बात होती है वहाँ पे, है ना, जो हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उसको अचीव करना है अल्टीमेटली हमें। फर्स्ट ग्लोबल फॉरेस्ट गोल है। ठीक है, प्रोवाइड इंक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया बाय 3% बाय 2030। तो यहाँ पे टारगेट रखा गया कि जो ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया है उसको 3% हमने इंक्रीज़ करना है बाय 2030। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपने टारगेट याद रखना है इसका। अब बात करते हैं जो ग्लोबल फॉरेस्ट गोल क्या है। पहले क्या है, रिवर्स फॉरेस्ट कवर लॉस, मतलब बहुत सारा फॉरेस्ट कवर लॉस हो रहा है उसको रिवर्स करना है ना। इम्प्रूव फॉरेस्ट बेनिफिट लाइवलीहुड, तो फॉरेस्ट से बेनिफिट भी हो रहे हैं बहुत से ट्राइबल एरियाज है ना, वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर रहते हैं, तो उनका जो उनको भी बेनिफिट मिलता है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर, अगर आपने पढ़े होंगे, हमने पढ़े भी हैं क्लास के अंदर, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड यूज सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट है ना। तो बहुत सारा, जैसे मान लो आपने, आपके पास इतना एरिया है, ठीक है, आपने इतने एरिया के अंदर ट्रीज़ को काट दिया, ठीक है जी, अब वहाँ पे रीग्रो करेंगे ट्री, तो ऐसा ना हो कि आपने जो आप ट्री को कट कर रहे हो वो आपकी जो पोटेंशियल, अगर हम बात करें कि उसका ड्यूरेशन भी नहीं कि बहुत ज़्यादा है ना, वो आप जो जितनी बार कट कर रहे हो ट्री उतने ग्रो नहीं हो पा रहे। अल्टीमेटली क्या होगा, आपका ट्री जो फॉरेस्ट एरिया वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सस्टेनेबल के लिए, अगर आप कहीं पे यूज़ भी कर रहे हो किसी फॉरेस्ट एरिया को, तो उतना ही ग्रो भी होना चाहिए, और उसका जो अल्टीमेट जो उसका टोटल है ना एरिया है ना, जहाँ पे फॉरेस्ट है या इंटेंसिटी है, वो प्रॉपर मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है जी, रिसोर्सेज को मोबिलाइजेशन करनी पड़ेगी इसके अंदर, है ना, तो यहाँ ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो एक ही एरिया के अंदर। प्रमोट इंक्लूसिव फॉरेस्ट गवर्नेंस, ये भी ठीक है। कोऑपरेट एंड वर्क अक्रॉस सेक्टर, तो बहुत सारा कॉपरेशन है, जैसे हम कैंप आप के अंदर भी पढ़ते हैं ना, कि मान लो किसी कंपनी ने किसी फॉरेस्ट एरिया के अंदर
उसको कोई ज़मीन चाहिए जहाँ पे फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट के को ट्री को जितने काटेगी उतने हिसाब से उसको पैसे भी देने पड़ते हैं और कहीं और एरिया प्रोवाइड करके। और उसके डिफरेंट मेथड भी अभी आए हैं रिसेंटली कि गवर्नमेंट खुद, जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो खुद एरिया अपने आप प्रोक्योर कर लेगा, ऐसे बहुत से हैं, प्राइवेट कंपनी प्रोक्योर करती है। तो अल्टीमेटली एम इसका ये है कि जितना आपने एरिया फॉरेस्ट का, अगर आपने कहीं कोई इंडस्ट्री वगैरह लगानी है तो आपको फॉरेस्ट एरिया जिसको आपने कवर जो चाहिए आपको वहाँ से आप ट्रीज काटोगे उतना ही आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। ये यूपीएससी के अंदर लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे अब गोल मैंने ऑलरेडी बताया कि कंट्रीज गोल भी बताती है ना कि उसने कितना इंक्रीज करना है, कितना मतलब डिक्रीज तो क्या करना है, मतलब कितना फॉरेस्ट एरिया या ट्रीज वो प्लान कर रही है। तो इंडिया ने क्या बोला है, ऐड करेगा 20,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पर ईयर। तो इंडिया ने ये बोला था हम पर ईयर ये अपना करेंगे, ठीक है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ये 20 मिलियन ट्रीज़ बाय 2020 है ना, बिलियन प्लांटेशन ट्रीज़ बाय 2030, ये इतना इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो अपने अपने टारगेट हैं। देन पाइथन 5A2 एयर मिसाइल, तो हमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तो स्टार्टिंग के अंदर मैंने अभी थोड़ी क्लास पहले जो क्लासिफिकेशन करवाई थी एक मिसाइल की, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमने जो बेसिक पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, उसके जो भी बेसिक मिसाइल्स थी, जो हमारा स्टार्टिंग जो अब्दुल कलाम जी ने स्टार्ट किया था उसके बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो मिसाइल है उसके अंदर हमने दो तीन चीज़ें करनी होती हैं, एक दो मिसाइल क्या एयर टू एयर है या रेंज है उसकी कितनी है ना, ये दो मेजर चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपका क्वेश्चन फंस जाता है। तो यही एटलीस्ट आपको इतनी आनी चाहिए। तो अगर पाइथन की करें, जैसे तेजाज है, तेजाज के अंदर अभी ऐड किया हमने पाइथन को, पाइथन क्या है, एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है जी। अब ट्रायल किया गया ये, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड डर्बी डर्बी मिसाइल भी है एक, ठीक है जी। तो हम आपको पता है कि बहुत सारे हेलीकॉप्टर या किसी हेलीकॉप्टर तो नहीं कहेंगे, एयरक्राफ्ट वगैरह हो गए, आप सबमरीन हो गए है ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम मिसाइल को लगाते हैं, ठीक है। मिसाइल को अगर आप कोई एरियल व्हीकल है उसी उसके थ्रू लगा रहे हो है ना, एयरक्राफ्ट है वहाँ पे, जैसे तेजाज है, लाइक तेजाज के ऊपर आपने एक मिसाइल लगा दी, तो एयर टू एयर मिसाइल हमने उसको बोला गया, क्योंकि एयर से हम शूट करते हैं, अगर सरफेस से करें सरफेस टू एयर है ना, ऐसे हम सबमरीन से भी करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास। इसी तरह अब ये हम अब ये करना क्यों है, देखो कोई भी कंट्री है वो अपनी कैपेबिलिटी देखती है कि वो मिसाइल को एयर से भी लॉन्च कर पाए, ज़मीन से भी लॉन्च कर पाए, हर जगह से, ताकि हम एनिमी को बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करती है तो डेटरेंस रहता है, और फाइट अगर वॉर हुई तो उसके अंदर बेनिफिट बहुत रहता है ना। तो यहाँ पर हमने ये जो तेजास है ना, इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है हमारा, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया, मतलब टेस्ट किया गया। इससे पहले हमने डर्बी भी किया था, बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज की अगर बात करें तो बियॉन्ड विजुअल रेंज का एक मतलब होता है, जैसे मान लो अराउंड 37 किलोमीटर होता है, कि मतलब सपोज करो कोई पायलट है, पायलट ने देखा कि हाँ उसकी एक विजुअल रेंज है, एक एरिया तक दिखती है ना। अगर जो मिसाइल बीवी राम होगी, मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ना, ये टेक्नोलॉजी होगी, तो वो उसके आगे भी, ठीक है, अपनी बियॉन्ड विजुअल रेंज से, मतलब जितना उसको दिख रहा है उससे आगे भी टारगेट कर सकता है। दैट इज़ मेजर बेनिफिट, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ये टेक्नोलॉजी रहती है हमारे पास, जैसे आई थिंक, हाँ आई थिंक अस्त्रा मिसाइल के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी है बीवी राम की, ठीक है जी। तो एक बार ओके, तो अब ये हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब क्या है, ठीक है। अराउंड 37 किलोमीटर की रेंज रहती है जिसके आगे वो टारगेट कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरा, डर्बी मिसाइल ने भी ऑलरेडी इसको अचीव किया हुआ, क्या हिट रेट जो 100% है, ठीक है। ऐसा चाहिए हमें, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डर्बी मिसाइल क्या है, ये भी एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है, ये भी इसराइल ने बनाई है, वो भी इसराइल ने बनाई है, ठीक है जी। अब स्पीड इसकी कितनी है, Mach 4, ठीक है, रेंज 50 किलोमीटर। अभी एक डर्बी एक स्टैंडर्ड रेंज बनाई है जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर। अगर हम यहाँ पे देखें, हमने किया भी हुआ है, तो सब सोनिक है ना, 1 Mach से नीचे जो साउंड की स्पीड है, तो उसके बाद 1 Mach है, ट्रांसोनिक है, देन सुपरसोनिक, ठीक है जी, 1 Mach से आ गए, तो देन हाइपरसोनिक है 5 Mach से ज़्यादा। तो हमने ये नासा की साइड से मैंने आपको करवाया था एक बार, ठीक है। अब देखते हैं जो पाइथन 5 मिसाइल है, ये भी इसराइल ने बनाई है, तो यहाँ पे पहली बात। दूसरा, बीवी राम टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, बियॉन्ड विजुअल रेंज, Mach 4 स्पीड है, 20 किलोमीटर तक रेंज है, एयर टू एयर एंड सरफेस टू एयर दोनों ये इसके ऊपर काम करती है। इक्विप्ड विद लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, मतलब लॉक ऑन बिफोर लॉन्च होता है, मतलब आपने जो एनिमी को टारगेट करना है आपने बिफोर लॉन्च भी कर सकते हो, दैट इज़ लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, मतलब ऑन हो जाता है ना। दूसरा, लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, तो अगर मान लो कोई मिसाइल आपने छोड़ दी, अब वो टारगेट डिसाइड करती है जब आफ्टर लॉन्च,
तो ये भी इसकी कैपेबिलिटी है, बेनिफिशियल भी बहुत रहती है, ठीक है जी। तो ये होता है लॉक ऑन। देन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजा इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, ठीक है जी। मैन्युफैक्चर किसने किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है जी। बस इतना याद रखना, ये इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी दोनों के लिए बस। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आया था टू रिप्लेस इंडियाज एजिंग MiG-21। तो आपने ये बताना है कि MiG-21 क्या इंडिया का इंडिजीनियस है या हमने बाहर से कहीं कोई कंट्री से नाम जुड़ता है ऐसा, जैसे रफेल का है वो किससे जुड़ता है वो तो चलो आपको पता ही होगा, ठीक है। डिज़ाइन टू कैरी ए टू एयर ए टू सरफेस, ठीक है, वेपन। तो यहाँ पे अगर ए टू एयर आप लॉन्च कर सकते हो, एयर से सरफेस की तरफ भी लॉन्च कर सकते हो, ये कैपेबिलिटीज़ की है और ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए अगर इंडिया ने ये काम अपना जो कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करनी है, ठीक है जी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि डोंट डिस्क्रिमिनेट इन वैक्सीनेशन। आपको हमने अभी रिसेंटली ये किया था कि भाई जो वैक्सीन है वो उसमें मैन्युफैक्चर होगी, इसमें 50% सेंटर के पास जाएगी, उसके बाद प्राइवेट को भी देगी 50% और स्टेट को भी। वहाँ पे अलग अलग चार्जेस रखे गए, 400-600 है ना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस रखे गए। सेंटर को अराउंड 150 रुपीज़ के अंदर दिया गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो चार्जेस भी हैं, प्राइसिंग एक तो ये इशू है, दूसरा ये इशू है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 45 प्लस है ना, जो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अभी फ्री भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है उनके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, देन स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कर रही है 18-44 ईयर है ना, तो ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मान लो अगर इसमें होता क्या है, जैसे मान लो हमें ये पता है कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ है, हमारे पास सिमिलर सर्कमस्टांसेस है ना, सिमिलर सर्कमस्टांसेस मतलब कि लोगों को वैक्सीन चाहिए, वहाँ पे 45 प्लस भी है, 18-44 भी है ना, ये भी है, दोनों को वैक्सीन चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मान लो सपोज़ करो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वैक्सीन जो है वो बहुत लो कॉस्ट के ऊपर आती है, ठीक है जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्री, आई थिंक फ्री हमने पढ़ा था कि वैक्सीन देते हैं ना, तो 150 रहेगा आई थिंक स्टेट के लिए, हाँ ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा मुझे लगता है मैं पहले सेंटर के लिए बोल गया था। तो ये हमें पता है कि डिफरेंट प्राइस है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है कि इनको वैक्सीन की ज़्यादा उपलब्धि मिल जाए या कम मिल जाए, है ना, ये रहेगा, ठीक है जी। तो अब ये इशू एक मेजर इशू हो गया, क्यों? क्योंकि आपने प्राइस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट कर दिया। सपोज करो अब ये वाले हैं, ठीक है, 18-44, अब इनको प्राइवेट वैक्सीन मिल रही है, अब यहाँ पे मिल रही है इनको 400 रुपीज़ की या 500 की, 1000 तक की मिल रही है, तो यहाँ पे इनकी है ना, क्योंकि कंडीशन तो दोनों की सेम है, ठीक है जी। हाँ आप ये बोल सकते हो वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं तो वो तो चलो अलग बात है, लेकिन जो कोविड के लिए प्रोन तो दोनों ही है ना, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो इनको, क्योंकि मान लो इनके पास पैसे नहीं है, है ना, तो यहाँ पे बहुत सारा इशू आ जाएगा। यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप डिस्क्रिमिनेट मत करो, ठीक है जी। तो अंडर आर्टिकल 21 के अंदर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोक्योर ऑल वैक्सीन एंड नेगोशिएट द प्राइस, है ना, तो अगर ये रहे तो वो बेटर है, ठीक है। जैसे मान लो आपको अगर इसमें बात करें, ठीक है जी, जैसे सपोज करो कि आपने सेंटर ने सारी सभी से प्रोक्योर कर ली, अब सभी से प्रोक्योर कर ली उसके बाद सेंटर, अब जब सेंटर लेगा है ना वैक्सीन सारी, तो सेंटर हो एक सिंगल बॉडी है, तो वहाँ पे अगर वो प्राइस को बेटर डिसाइड कर पाएगा, है ना, बार्गेनिंग बेटर कर पाएगा, रैदर दैन कि आपने बहुत सारे वैक्सीन को अलग अलग के अंदर छोड़ दिया कि भाई आपने प्राइवेट को देनी है, वो तो अपनी मर्जी से पैसा लगाएंगे और वहाँ पे फिर कुछ लोगों को बहुत ही महंगी वैक्सीन मिलेगी, तो उनका जो राइट टू लाइफ के ऊपर ये एक चैलेंज हो सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप डिस्क्रिमिनेट मत करो, एक ही प्राइस के ऊपर रखो जो भी रखना है। ओके, वैक्सीन प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। देखो आपको पता है जो असेंशियल ड्रग्स हैं, असेंशियल ड्रग्स की अगर हम बात करें, ठीक है जी, तो असेंशियल ड्रग क्या होती हैं? असेंशियल ड्रग होती हैं जिनकी सेल, मतलब आप जैसे वालों असेंशियल ड्रग हम न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते हैं कि जो असेंशियल ड्रग को रेगुलेट करता है असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, है ना, तो गवर्नमेंट बहुत सारी असेंशियल ड्रग डिक्लेयर करती है। अब असेंशियल ड्रग ऑन एवरेज डिक्लेयर करते हैं जिसकी सेल जो 1% से ज़्यादा हो, मार्केट के अंदर सेल जो 1% से ज़्यादा हो, वो एक क्रिटेरिया रहता है, एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, ठीक है, उसको हम असेंशियल ड्रग डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं मतलब सभी को करेंगे, मतलब उनको कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी कम सेल है तो उसको हम असेंशियल ड्रग के अंदर नहीं रखते, पहली बात। दूसरी, अब ये असेंशियल ड्रग कमोडिटीज़ के अंदर है ना, बहुत सारी हम असेंशियल ड्रग्स रखते हैं, अब ऐसा क्यों रखते हैं? क्योंकि जैसे मान लो अब सेल ज़्यादा है तो यहाँ पे पीपल के ऊपर इम्पैक्ट बहुत पड़ता है ना, तो इट मीन्स कि अगर सपोज करो अपने
यहाँ पे असेंशियल इनका जो प्राइस रेगुलेट नहीं किया तो लोगों को बहुत महंगी आपको ड्रग मिलेगी, ठीक है। इसलिए इनका प्राइस रेगुलेट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ही सेक्शन 3 इस एक्ट का, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का, वहाँ पे इनेक्ट किया गया ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है। इसके थ्रू ये सारा एसेंशियल जो ड्रग है वो कंट्रोल होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो आपको इजीली समझ आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंदर हमारा है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है जी। उसके बाद अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर देखें तो यहाँ पे नेशनल लिस्ट है एसेंशियल मेडिसिन की, ठीक है। तो वहाँ पे जो कौन सी एसेंशियल मेडिसिन है कौन सी नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अराउंड 1% मान लेते हैं कि जो 1% से ज़्यादा उसको एसेंशियल ड्रग मानते हैं हम, उसके अंदर कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है कौन सी नहीं, ये मिनिस्ट्री ने अपनी लगा दी कि भाई ये वाली लिस्ट है। अब इसका जो लिस्ट के अंदर जो प्राइस है ये अपना NPPA ये फिक्स करता है, ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट फार्मूलाज। तो यहाँ पे सीलिंग प्राइस फिक्स कर देगा कि भाई इससे ऊपर इसका प्राइस नहीं आएगा। तो वो सारी ड्रग्स जिनका प्राइस फिक्स करता है उनको रखते हैं हम शेड्यूल 1 के अंदर, ठीक है जी, DPCO के अंदर, ठीक है जी, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि जो बाकी ड्रग्स हैं जो जो तो यहाँ पे शेड्यूल 1 के अंदर आ गए, उनका प्राइस कंट्रोल कर दिया अपना NPPA ने, बाकी ड्रग्स हैं उनका एवरी ईयर, मतलब एवरी ईयर 10% आप प्राइस इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, ये उन्होंने छूट दी गई है, ठीक है। तो बाकी ड्रग्स हैं उनके लिए जो मैक्सिमम प्राइस आपने एनुअली इंक्रीज़ करना है दैट इज़ 10%, तो इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करने नहीं देते, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि जो एसेंशियल ड्रग हैं उसके लिए क्राइटेरिया कि भाई इससे प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, और नॉन एसेंशियल ड्रग्स जो बाकी ड्रग्स हैं वहाँ पे भी प्रोविज़न है कि एक पार्ट से, एक एरिया से आपने मतलब रेंज से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। अब NPPA के बारे में पढ़ लेते हैं। ये इंप्लीमेंट करता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी, ये हमने पढ़ा है DPCO के अंदर, है ना, ऑलरेडी। शेड्यूल 1 के अंदर यहाँ पे ड्रग्स रहती हैं, मॉनिटर करता है एनुअल इनकम नॉन शेड्यूल प्राइस, ठीक है, एनुअल इंक्रीज़ जो अभी मैंने बताया है ना, मतलब 10% से आपने ज़्यादा इंक्रीज़ करनी तो ये उसको भी मॉनिटर करता है। यहाँ पे ध्यान रखना एग्ज़ाम के अंदर अगर क्वेश्चन है, ये एडमिनिस्टर करता है फार्मा शाहिदम देन फार्मा जन समाधान। फार्मा शाहिदम क्या है, जैसे मान लो आपने मोबाइल ऐप है बेसिकली, तो यहाँ पे MRP फिक्स जो है ना, NPPA ने जो MRP फिक्स किया वो सारा उसके ऊपर शो होता है। अगर मान लो आप दुकान पे गए वहाँ पे MRP ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा प्राइस के ऊपर लेते हैं, तो अगर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा फार्मा शाही जन समाधान, तो फार्मा जन समाधान के अंदर क्या है कि मान लो कोई भी कंप्लेंट है जो मेडिसिन की प्राइसिंग के ऊपर वो आप वापस बोल सकते हैं उनको, ठीक है। यहाँ पे इसके थ्रू आप रिड्रेसल के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। तो अब चलते हैं हमारे, चलो ये हमें समझ आ गया कि कैसे लिस्ट बनती है जो हेल्थ मिनिस्ट्री बनाती है, उसके बाद NPPA अपना रेगुलेट करती है, ठीक है। अब बात करते हैं इस जो अभी करंट के अंदर, ताकि आपको ये तो चलो समझ आ गया होगा बेसिक जो है, ठीक है जी। तो यहाँ पे थे हमने, तो अराउंड 800 लिस्ट है ड्रग की जो एसेंशियल बताई गई है। तो NPPA जो ये उसको रेगुलेट करता है, कैप करता है प्राइसिंग को, ये हमने ऑलरेडी बता दी। अब कैन गवर्नमेंट रेगुलेट द प्राइस ऑफ COVID-19। अब ये क्वेश्चन आ गया कि अब COVID-19 वैक्सीन है ना, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि डिस्क्रिमिनेशन मत करो कि मतलब आप 45+ के लिए अलग और दूसरों के लिए अलग। तो यहाँ पे दूसरी बात आ गई कि आपने प्राइवेट के लिए अलग प्राइस है ना, नेशन को तो चाहिए, तो यहाँ पे क्या इसको हम प्राइस को रेगुलेट कर सकते हैं? कल को कोई कंपनी आए वो कहे 2000 के बेचेंगे, तो इसके अंदर है यस, हम रेगुलेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो DPCO है हमारा, उसके अंदर बहुत सारी हमने अभी देखा एसेंशियल ड्रग को रेगुलेट करते हैं, लेकिन उसके अंदर पेटेंटेड ड्रग्स जिनका पेटेंट हो अभी एंड फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, ये दो ड्रग को हम रेगुलेट यहाँ पे अभी प्रोविज़न नहीं है, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपकी रेमडेसिविर है ना, वो भी आपकी पेटेंटेड ड्रग है, तो इट मीन्स कि इसका प्राइस भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरा फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनको हम बोलते हैं जैसे एक्टिव इन्ग्रीडियंट उनका मिलके एक ड्रग बनाता है, ठीक है। आपने बहुत सारी ड्रग्स देखी होंगी, आपने पढ़े होंगे सॉल्ट, तो बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, अलग अलग ड्रग का कॉम्बिनेशन रहता है, जैसे ये ठीक है जी HIV ड्रग है तो एफाविरेंज है, इसके अंदर MRTC टबीन है, टोनोफेविर है, ये सारी मिलके आपकी एट्रिपला, तो आपको नाम नहीं याद करने, ये मतलब सारी अलग अलग आपने पढ़ी भी होंगी, 600 mg 200। इसका बेनिफिट ये होता है कि एक कंप्लीट जो
हम बोलते हैं ना जैसे रेमेडी वो मिलती है पेशेंट को, तो जैसे मान लो एक ड्रग है उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता जो कॉम्बिनेशन से मिलता है, तो इसको फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव कई बार होता है कि मान लो पेशेंट को सिर्फ एक ही ड्रग चाहिए है ना, उसको फीवर के लिए चाहिए, तो वहाँ पेन किलर और ये वो सारी और भी चीज़ें उसके अंदर एड ऑन रहती हैं जो उसके नुकसान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कि जो पेटेंट ड्रग वगैरह, तो इट मीन्स कि अगर हमने इनके ऊपर अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, अमेंडमेंट के थ्रू ही ये सारा काम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है कि जहाँ से हम प्राइस को कंट्रोल करें, हमने अभी रिसेंटली कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बारे में पढ़ा था, तो चलो यहाँ पे देखते हैं एक और प्रोविज़न। इंडियन जो पेटेंट एक्ट है 1970, यहाँ पे एक सेक्शन 100 है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक है पावर है इसके एक्ट के अंदर कि वो किसी भी पर्पस के लिए, मतलब मान लो गवर्नमेंट को कोई मेडिसिन चाहिए तो वहाँ उसके ऊपर प्राइस उसका कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये प्रोविज़न। ठीक है, ओके। सेकंड, हमारे पास कंपलसरी लाइसेंसिंग है, मैंने ऑलरेडी बताया। मान लो फॉरन से कोई कंपनी आई है, कंपनी के अंदर उसने मेडिसिन है, पेटेंट उसको मिल गया इंडिया के अंदर, तो 3 साल बाद हम अराउंड उसको उसका जो पेटेंट है ना, बाकी कंपनीज को बोल सकते हैं कि इसको लो कॉस्ट के ऊपर बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? क्योंकि अगर आपको लगता है कि भाई जो नेशन है ना, पीपल है, उनके इंटरेस्ट के अंदर है, और बहुत सारी ये मेडिसिन का हाई प्राइस है, और ये इसीलिए कंट्री की डिमांड भी है। ठीक है, लोगों के लिए, तो इंटरेस्ट ऑफ पीपल बेसिकली, तो हम इसको कंपलसरी लाइसेंसिंग देते हैं, और ये इशू भी रहता है, तो मैंने अभी रिसेंटली ये इसको कवर किया था। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो आपने बहुत सारी मेडिसिन बना दी, पेटेंट दे दिया है ना कंपलसरी लाइसेंस के थ्रू, तो वहाँ पे ड्रग्स जो बनती हैं नॉर्मली जेनरिक ड्रग बनती हैं ना। जेनरिक ड्रग होता है कि आपने कॉपी बनाई है दूसरी ड्रग की जो पेटेंटेड ड्रग है। ठीक है, अब ये पेटेंट ड्रग किसी ना किसी ब्रांड नेम से आती है, तो इसकी हम जैसे सॉल्ट की कॉपी करेंगे तो हमारे पास अब जो नई ड्रग आएगी वहाँ पर ज़्यादातर सॉल्ट ही लिखे होते हैं, तो यहाँ पे पेटेंट ब्रांड वगैरह ऐसा सच नहीं रहता। इनका जो कम्बिनेशन है ना, डोज कौन सी कितनी है वो तो कंपोजिशन सेम रहती है, हाँ थोड़ा बहुत फ्लेवर के अंदर डिफरेंस रहता है, फ्लेवर के अंदर डिफरेंस रह सकता है। ठीक है जी, दूसरी बात जैसे बायोलॉजिकल वैक्सीन है ना, मान लो हमने ये वाली तो ठीक है, अगर मान लो सपोज करो ब्रांड वैक्सीन है, अब इसने जेनरिक मेडिसिन सॉरी अपने ड्रग बनाई, तो यहाँ पे ट्रायल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि साल्ट सेम है, इसका ट्रायल हो चुका था, अब इसके अंदर नहीं। लेकिन जो बायोलॉजिकल वैक्सीन है ना, जहाँ पे आपने कुछ ना कुछ एनिमल पार्ट वगैरह डाला है, वहाँ पे इशू आ सकता है। ठीक है, आपने कोई लाइक जैसे COVID-19 के लिए है ना, तो वहाँ पे ट्रायल जो न्यू क्लिनिकल ट्रायल हैं वो उसकी सेफ्टी और एफिकेसी के लिए हमें एस्टेब्लिश करने चाहिए। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको जो कंपलसरी लाइसेंसिंग है वो लेस अट्रैक्टिव बनाती है। क्यों बनाती है? मान लो गवर्नमेंट ने कंपलसरी लाइसेंस दे दी आपकी वैक्सीन है, अब ये कोई दूसरी कंपनी वैक्सीन बनाएगी, तो अब इसका जो इम्पैक्ट है क्लिनिकल ट्रायल है ना, वो ट्रायल भी चाहिए दोबारा, तो फिर बात तो वही आ गई, पहले यहाँ पे ट्रायल हुआ फिर यहाँ पे ट्रायल हुआ है ना, इसीलिए इसको अभी थोड़ा सा लेस अट्रैक्टिव रहता है। अभी आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है कि हम वैक्सीन का प्राइस कंट्रोल करें? एपिडेमिक डिजीज़ है, यहाँ पे भी सेक्शन 2 के अंदर पावर है। ठीक है, कि डेंजरस टू एपिडेमिक डिजीज़, क्योंकि बहुत सारा रेगुलेट कर सकते हो। मान लो सपोज करो कि स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट को लगता है यार यहाँ पे एपिडेमिक हो गया, बहुत ज़्यादा डिजीज़ है, उस कंटेक्स्ट के अंदर स्टेट कैन रेगुलेट प्राइस। ठीक है, तो स्टेट वो कितना प्राइसिंग वगैरह रहनी है स्टेट उसके अंदर देख डिटरमाइन कर सकती है। तो आपने ये रखना, क्या स्टेट को पावर है? यस, स्टेट ऑल्सो हैव अ पावर। ठीक है, तो ये अपने प्री के हिसाब से ऐसा सच, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लिखा गया है, लेकिन बात यही है जो मैंने आपको बोली, बस याद आपने इतना ही रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये भी बात वही है, जैसे मान लो कोई वायलेट करे है ना, तो उसके अंदर क्या पेनल्टी है? यस, पेनल्टी है, बस इतना याद रखना है आपने। ठीक है, यह सेक्शन 188 IPC के अंदर वो डील करता है, डिसोबेडिएंस ओबीडियंस ऑर्डर है ना, दिल्ली प्रोमल्गेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, तो अगर डिसो जैसे फाइन है वो 1000 तक फाइन लग सकता है। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है, हाँ प्रोविजन है। अदर क्या क्या है? अदर इन्होंने लेजिस्लेटिव ऑप्शन एक और बताया जो मैंने अभी डिस्कस भी किया था कि सजेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से प्रोक्योर करो वैक्सीन, तो आप क्योंकि एक बंदा है उसके बाद वो ग्रेटर बार्गेनिंग पावर रहती है। ठीक है, तो ये उसके अंदर है, तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। आगे बढ़ते हैं।
अब देखो एक हाई यील्डिंग वैरायटी आई है, तो ये क्वेश्चन एक यूपीएससी के अंदर आया भी हुआ है रिसेंटली, ब्रिंजल के ऊपर आई आई गेस आया था, तो वहाँ से पूछ लिया था ये बनाया किसने है। ठीक है जी, तो हमें कुछ प्रॉपर्टी चाहिए। देखो हमने ये देखा है कि बहुत सारी मेडिसिन, अगर आप क्रॉप्स हैं जैसे मान लो बीटी कॉटन वगैरह है ना, तो यहाँ पे जीन एडिटिंग के थ्रू बनती हैं ये, है ना। लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग जो ट्रेडिशनल टेक्निक थी वहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग से बनती थी, तो यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग से ही ये टेक्निक जो नई है वैरायटी बनाई गई है सोयाबीन की। ठीक है जी, तो सोयाबीन की वैरायटी ये बनाई गई है। अब यहाँ पे हमें याद क्या करना है, याद ये करना है पहले तो ये कौन सी एरिया के अंदर क्या क्या इसके अंदर रहता है। जैसे मान लो अब ये कहते हैं कि ये नई वैरायटी जो है ये ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो बोलते हैं हम क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक से बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात आपने याद रखनी है ये किसके लिए सूटेबल है। ये सूटेबल है अपनी असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, मतलब ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। पहली बात अपनी टूरी पॉइंट रखने बाद, अगर कर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ICAR, इन्होंने न्यू दिल्ली, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया, किसने हु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसका इंस्टीट्यूट है रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा ICAR। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सोयाबीन की जो नई वैरायटी बनाई गई है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम देखें तो अब इसके अंदर है क्या क्या है ना, अब हमने इसकी एक आधी प्रॉपर्टी भी देखनी है। ठीक है, तो अगर बात करें जैसे मैक्स 1407 गिव्स 39 क्विंटल ऑफ पर हेक्टेयर मेकिंग इट हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है, एंड पेस्ट रेजिस्टेंट, तो अब आपसे एग्जाम के अंदर ये ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है कि ये क्या हाई यील्डिंग वैरायटी ही है अकेली, है ना, नॉट पेस्ट रेजिस्टेंट, नहीं ये पेस्ट रेजिस्टेंस भी है, दोनों काम है, दोनों के बेसिस के ऊपर ये वैरायटी बनाई गई है। ठीक है जी, उसके बाद थिक स्टेम है, हाई पॉड, मतलब पॉड जैसे मान लो आपका मटर है, मटर का उसके अंदर छोटे छोटे है ना दाने होते हैं, तो ये वाला इसको पॉड बोलते हैं। ठीक है जी, तो वो पॉड के अंदर भी रेजिस्टेंस करता है, तो इसलिए आपको मैकेनिकल हार्वेस्टिंग अगर मान लो आपने की, पॉड आपका स्ट्रांग नहीं है तो सीड आपके गिर जाएंगे, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे पॉड इसका स्ट्रांग है, तो इसको मैकेनिकल हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है जी, रेन फेड कंडीशन के लिए सूटेबल है, ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वाला ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर रेन फेड कंडीशन, वो गलत है स्टेटमेंट, सूटेबल है, तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है। ठीक है, 17% इंक्रीज़ हुई यील्ड, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दूसरा, तो आपको परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्रीज़ है, हाई यील्डिंग वैरायटी है, रेजिस्टेंस टू मानसून, ठीक है, जैसे मान लो मानसून आपकी किसी साल आई किसी साल नहीं आई, तो उसके लिए भी रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, उसका ऑयल कंटेंट है अराउंड 20%, 41% प्रोटीन कंटेंट है, तो हाई प्रोटीन कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ। ठीक है जी, ओके, नो GST फॉर मेडिकल ऑक्सीजन इम्पोर्ट। ठीक है जी, आपको पता है कि बहुत सारी जैसे हम मेडिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं, अब उसके ऊपर GST भी लग गया, तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, इसीलिए डिबेट भी चल रही थी भाई अब तो लोगों को चाहिए है ना ऑक्सीजन, तो अब तो कम से कम आप GST वगैरह वहाँ से हटाओ, तो इसीलिए यहाँ पे GST की बात हुई है। ठीक है, अब जैसे मान लो इन्होंने बोला है कि इम्पोर्ट COVID-19 रिलीफ मटेरियल, क्या क्या वैक्सीन, मेडिकल ऑक्सीजन, रेमडेसिविर है ना, बहुत सारा इसका अभी देखा देखा गया कि भाई लोग बोल रहे हैं कि मिल नहीं रही है, एंटीवायरल ड्रग है। ठीक है, ऑल दो इसके ऊपर डिबेट भी बहुत ज़्यादा है कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है इतना, लेकिन लोगों ले रहे हैं। ठीक है जी, तो अब GST एग्जेम्पशन कर दिया है टिल June 30, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड जैसे कस्टम ड्यूटी वगैरह ऑलरेडी हमने यहाँ पे नहीं लगाई थी, अब IGST, पहले तो हमें पता होना चाहिए IGST कहाँ पे लगता है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एग्जेम्पशन वॉन्ट अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक कंपनीज और चैरिटीज इंपोर्टिंग दीज आइटम्स इफ़ दे आर परचेजिंग, अगर मान लो कोई डोमेस्टिक कंपनी या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है ना कोई भी, वो उसको परचेज कर रहा है फॉरन से, है ना, परचेज करके वो कहता है कि मैं फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन वो फॉरन से क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, तब ये अप्लाई नहीं होगा, तब उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, तब उसके ऊपर GST लगेगा। रिलैक्सेशन फिर कहाँ है, अगर वो रिसीव कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, अगर मान लो फॉरन से कोई चीज़ आ रही है, एक तो इंडिया वाला मान लो ये इंडिया है ये फॉरन है, यहाँ पे इंडिया उसको परचेज कर रहा है तब तो लगेगा, अगर मान लो फॉरन से इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट
है ना, कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। वो फॉरन से वो दे रहा है कि मैं फ्री दूंगा अपना जो भी ये मटेरियल है, तो तब वहाँ पे आपका जीएसटी एग्जेम्पशन है, ठीक है। दूसरी बात, जो ग्लोबल डोनर है उनको इंडिविजुअल स्टेट से रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना। तो ये अपना सारा इसके अंदर जो भी अपडेशन की गई। अब बात करते हैं सेंट्रल गुड्स टेस्ट, स्टेट जीएसटी, है ना। सेंटर वाला क्या है, सेंटर क्या है, कहाँ पे लगता है, जो इंट्रा स्टेट सप्लाईज, अगर यहाँ पे आप देखो बेटर है। जीएसटी है दो चीज़ें, इंट्रा स्टेट मूवमेंट, इंटर स्टेट मूवमेंट, है ना। मान लो कोई प्रोडक्ट इंट्रा स्टेट मतलब उस स्टेट के अंदर ही है, कोई एक स्टेट है यहाँ से दूसरे को प्रोडक्ट बेचती है, वो स्टेट के अंदर ही रहा, वह है इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चला गया, ठीक है। इंट्रा स्टेट के अंदर लगता है हमारा सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी, अगर इंटर स्टेट मूवमेंट। इवन यहाँ पे इंटर स्टेट मूवमेंट एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो अभी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात की गई, जहाँ पे जीएसटी एग्जेम्पशन है वहाँ पे वर्ड मेंशन किया गया आईजीएसटी, वहाँ पे आईजीएसटी लगता है। तो इंटर स्टेट मूवमेंट एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, है ना, कि जो कंट्री से बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है वहाँ पे लगता है आईजीएसटी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ इंटीग्रेटेड जीएसटी लिवाइड, है ना। तो आईजीएसटी आपका कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे आपका क्रॉस कंट्री या फिर आपका क्रॉस स्टेट ये चल रहा है, ठीक है जी। तो अगर जैसे जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो पंजाब ही है, ठीक है। पंजाब से एक ए ने बी को कोई प्रोडक्ट बेचा है, तो यहाँ पे स्टेट के अंदर ही रहा है ना। तो अगर सपोज करो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 18% जीएसटी है, तो 18% आपका जीएसटी जो है वहाँ पे सीजीएसटी जो सेंटर के पास जाएगा 9%, एंड स्टेट जीएसटी जो स्टेट के पास जाएगा 9%, है ना। तो ये दूसरा है अपना आईजीएसटी, आईजीएसटी अपना इंट्रा इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी, मान लो पंजाब से हरियाणा, है ना, कोई प्रोडक्ट आपने भेजा है, तो यहाँ पे अगर 18% है तो ये आपका सेंटर के पास चला जाएगा, आईजीएसटी के थ्रू कलेक्ट हो जाएगा। तो ये है दूसरा, यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है जी। तो ये आगे बढ़ते हैं, उसके बाद तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया आईजीएसटी क्या है, इंटर स्टेट के अंदर लगता है, इंपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर भी लगता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। सीएसआर, अब देखो बहुत सारी, अगर आपको यूपीएससी के याद हो तो यूपीएससी के अंदर एक बहुत बार केस स्टडी आती है, केस स्टडी के अंदर लिखा होता है कि आप एक कंपनी हो, ठीक है जी, और आप एक एरिया के अंदर काम कर रहे हो। अब एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी भी है, ठीक है जी, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सपोज करो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, आगे आपसे बोला कि हमें जॉब दो, है ना, तो क्या क्या एक्शन लोगे। ऐसी केस स्टडी बहुत आती हैं, ये केस स्टडी बेसिकली दिखाती हैं कि कंपनीज़ का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। स्टरलाइट प्लांट की अभी रिसेंटली एग्जाम्पल दें तो वहाँ पे कॉपर बहुत ज़्यादा है ना लोगों के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है, वो बोल रहे हैं कॉपर स्मेल्टिंग वगैरह ये वो वहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो वहाँ पे भी आपका जो कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके लिए इन्होंने बनाया कि भाई ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि कंपनी के लिए कुछ क्राइटेरिया रखते हैं कि इस क्राइटेरिया के ऊपर, है ना, इतनी उसकी रेवेन्यू होगी, इतना उसका प्रॉफिट होगा, उसके बेसिस के ऊपर वो 2% अपना ये सीएसआर के लिए लगाएगी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के ऊपर, आप जैसे मान लो एनवायरनमेंट के ऊपर, आपने हेल्थ के ऊपर वहाँ पे स्पेंड करोगे, अदरवाइज़ कंपनी करती नहीं थी। जैसे बहुत सारी कंपनीज आपको पता है पोल्यूशन भी तो करती हैं, है ना, तो वहाँ पे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसी को अगर हम देखें, जो ऑब्जेक्टिव है वो ये सॉल्व कर रही है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं, सीएसआर के बारे में। सीएसआर मैंडेटेड कहाँ पे, पहली बात जो आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, एंड कंपनीज रूल। क्राइटेरिया क्या है, जैसे मान लो मिनिमम नेटवर्थ है 500, है ना, टर्नओवर 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट 5 करोड़, ठीक है जी। अब इतना होगा तो 2% वो अपना जो एवरेज प्रॉफिट है पिछले 3 साल का, उसके बेसिस के ऊपर वो सीएसआर के अंदर एक्टिविटीज़ के ऊपर लगाएगा, ठीक है। अगर मान लो वो क्राइटेरिया पे नहीं चलता तो उसमें ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। और क्या क्या इसमें बोला गया, अब देखो आपने सीएसआर का बोला कि हमने इतने पैसे स्पेंड करना है, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ कमेटी भी तो होगी जो ये चेक करेगी भाई क्या उतना स्पेंड हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अदरवाइज पेनल्टी भी लगेगी, है ना। तो यहाँ पे कमेटी है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी जो है, मान लो किसी सीएसआर पॉलिसी हर एक कंपनी बनाएगी अपनी, है ना, कॉरपोरेट सेक्टर बनाते हैं अपनी जो पॉलिसी है, वहाँ पे वो बताएंगे कि हम कहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, कहाँ पे नहीं करना चाहते, है ना। तो वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे सीएसआर कमेटी को, ठीक है, जो पॉलिसी होगी। देन बोर्ड से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसे डिस्क्लोज दे रिपोर्ट, कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी,
है ना, कि कंप्लायंस बेसिकली ये आपका जो बोर्ड है ये चेक करता है कि जो भी हमने पॉलिसी बनाई है उसके ऊपर पैसा खर्चना, क्या वो कंप्लायंस हुआ, क्या वो उतना काम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ पर्पस, ये हमारा प्री के पर्सपेक्टिव से क्या है कि हाँ इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कमेटी वगैरह बनने की प्रोविज़न है, यस है, तो बस इतना हमने याद रखना है। इसके अलावा अगर आप डिटेल के अंदर जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर मान लो नहीं स्पेंड हुआ तो क्या, एक तो पहले जाएगा प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के अंदर पैसा, उसके बाद स्टेट के अंदर भी है ना, विद इन 6 मंथ वो फाइनेंशियल ईयर के स्टेट के अंदर भी जो फंड वगैरह हैं वहाँ पे भी आप पैसा दे सकते हो। ठीक है, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपने पैसा लगाया हुआ है लेकिन वहाँ पे अनस्पेंड अमाउंट है, जो पैसा नहीं लगा, तो वो अनस्पेंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है, और उसको 3 साल के अंदर अंदर आपने खर्च करना है, ये सारी प्रोविज़न है वहाँ पे। ठीक है जी, कौन कौन सी एक्टिविटी, जैसे एजुकेशन, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, हंगर, पावर्टी, वुमेन एम्पावरमेंट, HIV/AIDS, मलेरिया, अदर डिजीज़, सोशल बिजनेस है ना, प्रोजेक्ट वगैरह, अगर कोई बिजनेस है वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाता है जिसे सोसाइटी को बहुत बेनिफिट हो, एंड प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के अंदर अदर सेंट्रल और स्टेट फंड, तो यहाँ पे आपने पैसा देना है, ये इन्होंने बोल दिया। अब हुआ क्या कि यहाँ पे ध्यान देखो, एक्टिविटीज़ नॉट कवर्ड क्या है, जैसे मान लो ओनली एम्प्लॉयज़ है ना, मान लो कोई कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ही बेनिफिट दे रही है, अब क्या वो CSR के अंदर कवर होगा? अगर सपोज करो एक मिनट के लिए ये मान लो कि ये कवर होगा, अगर कवर होगा तो कंपनी तो अपने जो एम्प्लॉय उनको ही बेनिफिट देती रहेगी है ना, तो फिर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रही नहीं। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि जो एक्टिविटीज़ है बेनिफिट है ओनली एम्प्लॉयज़ कंपनी वो एंड देयर फैमिली, ठीक है, वो आपने नहीं, वो उसके अंदर नहीं जाएगा। जैसे मैराथन अवार्ड वगैरह दे रहे हैं ना, चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, वो भी इसके अंदर नहीं रहेगा। उसके बाद मान लो लेबर लॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी उसके अंदर नहीं काउंट करेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी को आपने पैसा दिया वो भी नहीं काउंट होगा। ठीक है, देन नॉर्मल बिजनेस, जो जो आप नॉर्मल बिजनेस रन करते हो उसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत खर्चा आता है वो भी इसके अंदर काउंट नहीं होगा। चलो ये हमें समझ आया कि भाई क्या क्या काउंट होगा क्या क्या नहीं काउंट होगा। तो फिर ये इशू न्यूज़ के अंदर क्यों है, उससे पहले एक चीज़ देखते हैं कि 2021 के अंदर इन्होंने थोड़ी सी चेंजेस की कि जो बिग CSR प्रोजेक्ट है ना, मतलब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी जो इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब उन्होंने पैसा खर्चा उसके ऊपर कंपनी उस प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट हुआ, वो सारा जो असेसमेंट है उसकी मैंडेटरी है। ऑल CSR प्रोजेक्ट जो है उसका डिस्क्लोज़र करना है, ये भी मैंडेटरी है, कंपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर रखेगी कि हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट के अंदर पैसा दे रहे हैं। ठीक है, CSR एक्टिविटीज़ नॉ अलाउड टू बी कैरिड थ्रू चैरिटेबल ट्रस्ट, तो यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू भी एक्टिविटीज़ अब ये स्टार्ट कर दिए इन्होंने कि आप चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दो, वहाँ पर वो आगे उसके अंदर काम करेंगे। ठीक है जी, तो ये अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन थी है ना, नॉट कवर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये हमें समझ आया। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे अगर हम देखें कि और क्या चेंज किया रिसेंटली, सेंटर ने ये भी नोटिफाई किया, क्या किया कि जैसे मान लो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल, जो अभी आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे बहुत सी कंपनी हॉस्पिटल बनाती है ना, टेम्प्रेरी हॉस्पिटल, उसके बाद उसके ऊपर जो आप पैसा खर्चोगे वो आपका CSR के अंदर लागू होगा। हमें यह समझ आ गया कि CSR आया, उसके बाद कुछ एरिया के अंदर कर सकते हो, अपने एम्प्लॉय के अंदर ऊपर नहीं खर्च कर सकते। उसके बाद सेंटर ने बोला कि आप जो टेम्प्रेरी हॉस्पिटल वगैरह है ना, जो कोविड फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रही हैं कंपनीज, वो आपका CSR के अंदर काउंट होगा। ये भी समझ आ गया, तो अब फिर न्यूज़ के अंदर क्यों है ना, तो अब ये इसलिए न्यूज़ के अंदर है क्योंकि एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि कंपनी वालों, अब कंपनी ये कहती है कि हम अपने एम्प्लॉई को वैक्सीन देंगे है ना, तो अब ये बोलते हैं कि उसको भी आप CSR के अंदर कवर करो क्योंकि कोविड है ना। एक्सपर्ट ने क्या बोला है, एक्सपर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है ECSR रेगुलेशन टू अलाउ कॉर्पोरेट एक्सपेंडिचर ऑन वैक्सीनेशन फॉर एम्प्लॉयज एंड ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज सफरिंग फ्रॉम कोविड। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि वो कंपनी, गवर्नमेंट ने बोला था कंपनी अपने एम्प्लॉय के ऊपर नहीं कर सकती है ना, सीधा वहाँ पे वो CSR के अंदर नहीं काउंट होगा। लेकिन कंपनी, गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि आप हॉस्पिटल वगैरह जो कोविड के लिए बना रहे हो वो आपका कवर हो जाएगा CSR के अंदर। आप ये बोलते हैं कि जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को वैक्सीनेशन करेगी उसका ऊपर एक्सपेंडिचर आएगा वो भी आप CSR के अंदर कवर करो। ठीक है, कंपनीज आर नॉट परमिटेड टू काउंट एक्सपेंडिचर, मैंने ऑलरेडी बता दिया जो उसके लिए होता है ना। तो सेंटर हैज़ ऑलरेडी मेड न्यूमरस चेंजेस इन CSR, जैसे अलाउ काउंट एक्सपेंडिचर टुवार्ड्स कर्बिंग स्प्रेड COVID-19, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सेंटर ने ऑलरेडी बताया, जैसे PM Care के अंदर भी आपने पैसा दिया वो भी आपका CSR के अंदर काउंट होगा, ये सारा सेंटर ने ऑलरेडी कवर कर दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या है, जैसे इंक्लूड एम्प्लॉयज़ वैक्सीनेशन,
है ना। अगर मान लो एम्प्लॉय को वैक्सीनेशन कर रही है कंपनी, तो वहाँ पे जो बेनिफिट होगा, बेनिफिट क्या होगा कि हमें गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के ऊपर बर्डन कम होगा और इजी है ना। तो यहाँ पे जो ओवर बर्डन है जो हेल्थ केयर सिस्टम हमारा वो कम होगा, ठीक है। देन वेदर कंपनीज इंक्रीजिंग साइंटिफिक रिसर्च, है ना। सेंटर ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया था कि जैसे मान लो कंपनी है वो साइंटिफिक रिसर्च कर रही है COVID-19 के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे उसको इनकम टैक्स वगैरह बेनिफिट कुछ दिया जाएगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें चलती हैं, है ना। लास्ट ईयर परमिटेड किया है ड्रग मेकर्स को, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जो भी थेरेपीज के ऊपर COVID-19 के ऊपर वो CSR एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। पर उनको टैक्स क्लेम करना था, उसके ऊपर जितना पैसा खर्चा उसके ऊपर वो टैक्स क्लेम हुआ नहीं, ठीक है जी। तो ये इश्यूज़ हैं थोड़े थोड़े। सेंट्रल विस्टा वर्क गेट नॉट, तो इसके अंदर क्या है, हमें ये पता है कि भाई कोई भी काम है ना आप कर रहे हो, तो जैसे मान लो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्टेट्स के अंदर वो बोलते हैं लॉकडाउन रहेगा एक्सेप्ट असेंशियल सर्विसेज, असेंशियल सर्विसेज का नाम लिया जाता है। उसके बाद स्टेट जब आपका CM ये लिस्ट बताता है कि असेंशियल सर्विसेज के एक्सेप्ट असेंशियल सर्विसेज, बाकी सब कुछ बंद रहेगा, तो वहाँ पे गवर्नमेंट, आपकी स्टेट गवर्नमेंट असेंशियल सर्विसेज के नाम बताती है कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, क्या इसके अंदर टेली कम्युनिकेशन आएगा, क्या इसके अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट नाम रहते हैं, तो ये सारी होती हैं असेंशियल सर्विसेज। अब इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया रहता है, असेंशियल सर्विसेज के अंदर आप इनको रोक नहीं सकते, है ना। मान लो यहाँ पे मैं असेंशियल सर्विसेज के अंदर कुछ, जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन वर्क है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो अगर मैंने इसको एसेंशियल सर्विसेज के अंदर डाल दिया, अब यहाँ पे लोग अगर स्ट्राइक करेंगे वो भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर मैं बोलूँ कि 8 घंटे काम करना है, 9 घंटे काम करना है, यहाँ पे अगर ओवर टाइम के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, है ना, क्योंकि ये एसेंशियल है, ये करना ही करना है। जैसे मान लो आपने देखा कि वैक्सीन है ना, वैक्सीन हमारी एसेंशियल सर्विस है, ठीक है जी, वैक्सीन है, तो अब वैक्सीन का काम चलते ही रहेगा, चाहे आपका लॉकडाउन लगे चाहे कर्फ्यू लगे, ठीक है जी। अब वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते होंगे उनके लिए भी वो पहले वाली प्रोविज़न थी इतने घंटे काम करना है, वो वाली ख़त्म है, ठीक है जी, और वो स्ट्राइक भी नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हैं जो एसेंशियल सर्विसेज को एक अलग बनाती हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने अपनी ये वाला बनाया है, ठीक है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, हमें पता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे पार्लियामेंट से लेके यहाँ पे देखो इंडिया गेट, ये सारा अच्छा खासा बना देंगे। यहाँ पे कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट भी रहेगा, न्यू रेजिडेंट PM वाइस प्रेजिडेंट इसके लिए, न्यू बिल्डिंग फॉर PMO, तो यहाँ पे ये वाली यहाँ पे रहेगी। तो ये सारा कुछ अपना बना रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने ये सोचा था इसको बना देंगे, है ना, 20,000 करोड़ के अंदर। लेकिन अभी जो जैसे बता आपको कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है, तो इन्होंने बोला कि यार हम अब क्या करें, अब इस काम को कैसा किया जाए। मतलब गवर्नमेंट की इच्छा होगी कि हम इसको जितनी जल्दी से, मतलब इलेक्शन से पहले पहले इसका सारा काम निपटा दें, एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बना दें। तो यहाँ पे इसलिए गवर्नमेंट ने बोला यार इसको काम चलाना है, तो इसको चलाएंगे कैसे, अगर आप इसको एसेंशियल सर्विसेज के अंदर डाल दो, है ना। तो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर मैंने अभी आपको बताया होता गया है, वहाँ पे आपको जैसे मजदूर अभी भी काम करेंगे, लॉकडाउन का कोई नहीं, लॉकडाउन के अंदर एसेंशियल सर्विसेज एग्जेम्पशन रहती है, तो यहाँ पे ये काम आपका लॉकडाउन के अंदर भी चलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं ओवर टाइम की, है ना, कोई स्ट्राइक नहीं कर पाएगा, तो मतलब काम आपका धड़ाधड़ चल रहा है। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968, यहाँ पे एसेंशियल सर्विसेज उनको कवर करना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एसेंशियल सर्विस को आपने बंद कर दिया तो लोग मर जाएंगे, है ना। नॉर्मल लाइफ, आपका दूध आ रहा है आपको पास, बहुत सारी चीज़ें, पानी आ रहा है, वाटर सप्लाई, है ना, ये सारी एसेंशियल सर्विसेज है। ये तो हो गया, उसके बाद सप्लाई है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जैसे और क्या काम है, मतलब जो भी सप्लाई आ रही है वो आपकी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ लोग होल्ड करके भेजें। फेयर प्राइस अवेलेबिलिटी, एसेंशियल कमोडिटी की जो फेयर प्राइस होना चाहिए। उसके बाद अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे होर्डिंग, जैसे आपने देखा होगा अभी ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह कितने होर्डिंग कर रखे हैं लोगों ने, 1.5-1.5 लाख का बेच रहे हैं ना, ब्लैक मार्केटिंग है। तो ये सभी को चीज़ों को ये ख़त्म करने के अंदर हेल्प करता है। पावर इसके अंदर क्या है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर है, इट मीन्स के स्टेट एंड सेंटर दोनों, है ना, दोनों इसके अंदर अपना कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई डिसोबे करता है, अगर कोई वायलेट करता है इसको, है ना, कोई आप, तो उसको क्या होगा, पुलिस उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, ठीक है जी। असेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी हैं, जैसे मान लो मेनली पेट्रोलियम कोल, है ना, पावर स्टील फर्टिलाइज़र, बैंकिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, परचेज, देन सेल ऑफ फूड ग्रेन, ये सारी असेंशियल सर्विस हैं, वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल, है ना, डिफेंस ऑफ कंट्री। तो ऐसा एम्प्लॉई कांट इवन रिफ्यूज़ टू वर्क ओवर टाइम, तो यहाँ पे रिफ्यूज़ नहीं होता, इसीलिए आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर अब वो बोल नहीं पाएंगे कुछ भी। स्ट्राइक, एनी वन हु स्ट्राइक इज सब्जेक्ट टू लीगल एक्शन, तो यहाँ पे अगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर कोई आपका स्ट्राइक करेगा तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये अपना असेंशियल सर्विसेज वाला एक्ट है। उसके बाद
अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी जो भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस थी वहाँ से, फॉरेस्ट एरिया ये डिबेट भी रही, तो वो सारा कुछ अप्रूवल मिल गया है, ठीक है जी। अब ये सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वो उसको मतलब वो देख रहा है, बेसिकली उसने इसको बनाना स्टार्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे पीएम रेजिडेंस ये वो सारा बनेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर उसका जो मेन है उसी के अंदर ये है, यूनियन हाउसिंग अफेयर अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री जो है उसी ने ये प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट जो प्रपोज़ किया था, इसके अंदर सेंट्रल वर्क डिपार्टमेंट है जो उसका काम करता है। तो यहाँ राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पिक्चर के अंदर आपको क्लियरली दिख जाती हैं। उसके बाद करते हैं बात म्यांमार रिफ्यूजी। अब ये UNHCR, हमें ये पता है कि इंडिया रिफ्यूजी कन्वेंशन का मेंबर नहीं है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोई US जैसे मेक्सिको से बहुत सारे लोग आपके USA के अंदर जाते हैं, USA के अंदर जैसे घुसते हैं वहाँ पे बोल देते हैं कि हमें अपनी जो कंट्री है ना, ओरिजिन कंट्री जहाँ से आए हैं वहाँ पे थ्रेट है, हमें मार देंगे लोग। तो अब ये USA यहाँ पे एज ए रिफ्यूजी रखा जाता है उनको, ठीक है जी। उनके पाँव के अंदर एक रिंग सा डाल दिया जाता है जो इससे वो लोकेट करते रहते हैं बंदा कहाँ गया कहाँ नहीं। अब ये बंदे को धीरे धीरे काम करने के लिए दिया जाता है कि हाँ ठीक है तू काम कर ले, लेकिन ये उसके यहाँ पे रहता है पैर में, ठीक है जी। तो उसको ट्रेस करते रहते हैं। अब US ऐसा नहीं कि भाई इनको वापस भेज दे, लेकिन वहाँ पे क्या है वो बोलते हैं कि हमें अपनी कंट्री के अंदर खतरा है तो हमें आप वापस नहीं भेजना, नॉन रिफॉलमेंट बेसिकली, ठीक है जी। उसके बेसिस के ऊपर बहुत से लोग हैं जो डेवलप्ड कंट्री के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे रिफ्यूजी बन के रहते हैं और धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं। यही चीज़ है जो बहुत सारे म्यांमार से इंडिया के अंदर लोग आते हैं, मणिपुर के अभी हाई कोर्ट ने क्या कहा, अब इंडिया के अंदर आए तो इंडिया बोलता है कि भाई हम तो रिफ्यूजी कन्वेंशन के पार्टी नहीं है ना, तो इसलिए हमने तो ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है क्या इसके थ्रू, अगर मान लो इंडिया जो रिफ्यूजी कन्वेंशन का पार्टी नहीं है तो इट मीन्स के इंडिया के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है नहीं, डेफिनेटली ऑब्लिगेशन है, वो कैसे है देखते हैं अभी, ठीक है। तो जो मणिपुर का हाई कोर्ट है उसने जो म्यांमार से लोग आए उनको अलाउ कर दिया कि आप दिल्ली जाके जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजी वहाँ से हेल्प ले सकते हो, प्रोटेक्शन के लिए आप जा सकते हो, अलाउ कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, कोर्ट ये बोलता है कि हम माना कि इंडिया रिफ्यूजी कन्वेंशन का मेंबर नहीं है, है ना, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, ठीक है। बट द कोर्ट ने ये बोला कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है 1948 एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट, जो ये भी ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडिया इनका तो मेंबर है पहली बात। दूसरा आर्टिकल 21 यहाँ पे राइट टू लाइफ है ना, राइट टू लाइफ हमें पता, आर्टिकल 21 की बात करें ये इंडियन सिटीजन प्लस फॉरनर दोनों के लिए है ना, तो यहाँ पे जो बाहर से कोई आ रहा है उसका भी राइट टू लाइफ है, ठीक है जी। तो कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे राइट टू लाइफ बेसिकली एनकम्पास नॉन रिफॉलमेंट, नॉन रिफॉलमेंट होता है कि मान लो आपने कोई म्यांमार से इंडिया के अंदर आया तो आप बाय फोर्स उसको वापस नहीं भेज सकते, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्या अगर आपको मान लो UPSC के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो नॉन रिफॉलमेंट आपका कौन से आर्टिकल के अंदर इनके पास है, तो अभी हाई कोर्ट ने ये बोला तो वहाँ पे आपको 3-4 आर्टिकल 19 ये वो दिए जाएंगे, तो आपने ध्यान रखना है ये आर्टिकल 21, ठीक है जी। ओके, देन इंटरनेशनल कोविनेंट अब ये भी देख लेते हैं, है ना, यहाँ पे क्या है, ये UN की ट्रीटी है, यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं सिविल पॉलिटिकल राइट्स इंडिविजुअल के, जैसे राइट टू लाइफ है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इलेक्टोरल राइट, राइट टू ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल, तो फेयर ट्रायल वगैरह भी ये सारा इसके अंदर कवर आता है, तो ये कन्वेंशन भी हमें याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अब इसको कन्वेंशन को मॉनिटर कौन करता है, जो UN ह्यूमन राइट कमेटी, UN ह्यूमन राइट कमेटी आपकी ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर ही है, ठीक है। ये कन्वेंशन आपकी ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट जो स्टार्टिंग के अंदर बने, देन इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, देन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो इसका भी इसके अंदर कनेक्शन है। बस इतना याद रखना है यहाँ पे ये जो कन्वेंशन है इसका बहुत से चीज़ों से कनेक्शन है, यहाँ पे जैसे मान लो आप याद रख सकते हो इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर राइट वाली कन्वेंशन, बस इतना, मतलब जो आपको नाम याद रहता है, पूरी कन्वेंशन का नाम याद करने के लिए ज़रूरी नहीं है, ह्यूमन राइट के ऊपर डिक्लेरेशन है ना, तो ऐसे हमने याद रखना है। किर्गिस्तान ताजिकिस्तान इशू क्या है, अब हमने जब सोवियत यूनियन के टाइम के ऊपर ये इनको डिवाइड किया गया, किर्गिस्तान ये आपका ऊपर है, ताजिकिस्तान नीचे है, इनको डिवाइड कर दिया गया। अब इनका मैप अपने आप ड्रॉ कर दिया, बहुत से इश्यूज हैं जो इनके बॉर्डर के ऊपर देखोगे, अगर आपको बहुत से रिवर वगैरह ऐसे ऐसे मतलब आधे इधर हैं ताजिकिस्तान के अंदर, आधे किर्गिस्तान के अंदर है, ऐसा ही एक एरिया है आपका कोकताश एरिया, ठीक है जी। ये इसके ऊपर यहाँ पे इशू है, अब इशू क्या है वो देखते हैं, डिस्प्यूट।
यूएसएसआर ने आपको पता है यहाँ पे कलेप्स हुई थी, उसके बाद इनके इंडिपेंडेंट रोड वगैरह वो सारा बॉर्डर बन गया। बहुत सारे रोड और वाटरवेज ऐसे हैं जो इनके आपस में है ना जाते हैं। तो अभी किर्गिस्तान ने यहाँ पे रिपेयर वर्क स्टार्ट किया था ये वाले एरिया के अंदर, कोकताश के अंदर, ठीक है। किर्गिस्तान ने यहाँ पे रिपेयर वर्क स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। अब ताजिकिस्तान वाले यहाँ पे उन्होंने देखा यार ये वाला एरिया के अंदर ये काम कर रहे हैं, बॉर्डर एरिया है, डिस्प्यूट रहता है। ताजिकिस्तान ने वहाँ पे जो मॉनिटरिंग कैमरा वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ताजिकिस्तान ने भी ये प्रोटेस्ट किया कि भाई हमसे पहले परमिशन नहीं ली अगर आपने वहाँ पे, किर्गिस्तान ने रिपेयर वर्क करना था, ठीक है। इसी के बेसिस के ऊपर ये वाले एरिया के अंदर आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया, बस हमें इतना याद रखना है। यहाँ पे क्या है, द इंटेक स्टेशन है जो रिलीज़ करता है वाटर डिफरेंट कनाल्स को ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के अंदर, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए क्या याद करना है, एग्ज़ाम के लिए आपको ये याद करना है कोकताश एरिया कहाँ पे है, ठीक है जी। अगर हम यही देखें किर्गिस्तान ताजिकिस्तान इतने एरिया को मैं लाऊं, ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो ये वाला अराउंड इसके आसपास एरिया है आपका कोकताश, ठीक है जी। तो यहाँ पे ठीक है, अब इसी के एरिया की ये पिक्चर है नीचे, तो ये देखो कोकताश एरिया। तो यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा इनका, ठीक है। तो ताजिकिस्तान ने बेसिकली इसको किर्गिस्तान को ऐसे ऊपर से कवर किया हुआ, ठीक है जी। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो हम जो भी हमारा पेंडिंग काम है वो सारा कवर करेंगे अपकमिंग डेज के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच।